हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केरला गवर्नमेंट की मातो पंचायत के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैसला लिया है, वो फैसला क्या उसके आज बारे में हम जानेंगे। वो फैसला है केरला पंचायत ऑफिस बेंच सर मैडम, मतलब उस पंचायत ने, मातुर ग्राम पंचायत ने जो कि केरला में है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने जो उस ऑफिस में सर और मैडम शब्द का प्रयोग मतलब उपयोग बंद कर दिया। जैसे कोई भी लोग वहां पे जाते थे तो बोलते थे सर हमारा ये काम करवा दो, मैडम हमारा ये काम करवा दो, तो उन्होंने सर और मैडम को बैन कर दिया। मतलब कोई भी जो उस पंचायत के ऑफिशियल से, मतलब जो भी वहां पे अफसर या जो भी जनप्रतिनिधि बैठते हैं, उनको अब जो सर और मैडम नहीं बुलाएंगे। तो ये फैसला कहाँ की, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि केरला गवर्नमेंट में है, मतलब केरला की सरकार में, केरल राज्य में। और जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी? माथुर ग्राम पंचायत। तो उस माथुर ग्राम पंचायत के जो वाइस प्रेसिडेंट है पीआर प्रसाद, उन्होंने बताया कि हमको ब्रिटिश शासन से आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम जो हमारे देश के लोग हैं वो उस गुलामी को झेल रहे। कैसे? जैसे कि जो भी नेता या जो भी पंचायत में चुने जाते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, यानी कि उनको पब्लिक की सुननी होती, ना कि वो मतलब पब्लिक उनकी सुनेगी, क्योंकि पब्लिक उनको चुनती है तो वो उनको आदेश नहीं दे सकती। इसलिए जो पब्लिक है वो सुप्रीम है, सर्वमान्य है उनका जो फैसला। तो अब क्या बोलेंगे? सर मैडम तो बैन हो गया, तो अब क्या बोलेंगे? वो बोल सकते हैं चेता और चेची। चेता यानी कि एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई। अगर मतलब जैसे जो ऑफिशियल बैठा है, जो भी व्यक्ति वहां पे बैठा है, अगर वो बड़ा है तो अपन उसको नाम से तो बुला नहीं सकते, मतलब अपमानजनक लगता है। तो उन्होंने सिर्फ वो पंचायत वालों ने फैसला लिया, गांव वालों ने नहीं लिया, तो वो बोल सकते चेता। और जो ऐसे अगर वो उम्र में, वो अगर वो लेडीज है, अगर वो उम्र में बड़ी है तो उनको चेची बोल सकते हैं। ये केरल में उपयोग किए जाने वाले शब्द है, बड़े भाई और बड़ी बहन के लिए। और उन्होंने कुछ और शब्द को मना किया बोलने से, जैसे अपेक सिकुनू, मतलब पहले लोग या तो रिक्वेस्ट करते थे कि हमको ये काम करना है, लेकिन अब वो बोलेंगे अवा का सब पेदुनू, मतलब आई डिमांड। पहले वो रिक्वेस्ट करते थे, अब वो करेंगे डिमांड करेंगे। रिक्वेस्ट और डिमांड में बहुत फर्क होता है। रिक्वेस्ट में मतलब पोलाइटनेस रहती है, मतलब मांगने की, और डिमांड में मतलब कि हमारा हक है ये। और जो वहां के प्रेसिडेंट है प्रिविथा मुरलीधरन, उन्होंने कहा है कि बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला है, और ये जो फैसला है वो पूरे भारत के लिए एक मतलब नई सोच लाएगा, क्योंकि जो बड़े मतलब जो भी जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको जो जनता चुनती है वो उनको मतलब पब्लिक की सुननी चाहिए, ना कि पब्लिक को उनकी, और पब्लिक सर्वमान्य है, सुप्रीम है। सो दोस्तों, और ये पहली बार हुआ अपने इंडिया की गवर्नमेंट में, इंडिया में पहली बार किसी लोकल बॉडी, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत बड़ी बॉडी नहीं, उसने पहली बार ऐसा फैसला लिया है कि सर मैडम को बैन कर दिया है इंडिया में। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।